तुमने क्या किया है वो नश्वा की जान ले लेंगे। तुम फिक्र ना करो, मैं संभाल लूंगा। देखो ना कितनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, लेकिन तुम्हें मुझे बता के जाना चाहिए था। मैं तुम्हें बताता कि किस तरह दबाव डालना है उस पर। माँ होके ये बात कह रही? हाँ मैं माँ होके ये बात कह रही हूँ। कहना क्या चाह रही हैं आप? मैं अपने आप को दोबारा नहीं धराऊंगी। आप भी बेवकूफ नहीं है और मैं भी नहीं। मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप इसके साथ ज्यादती कर रही हैं। मैं सॉरी है, इस गेम का हिस्सा नहीं बन पाऊंगा मैं। आपके साथ ज्यादती की जा रही है, आप बहुत कुछ करना चाहती हैं, लेकिन आपको मजबूर किया जा रहा है ताकि आप किसी की अना को नीचे दिखा सकें। इस बैंक में मेरा अकाउंट है, मुझे इस वैकेंसी का पता चला। आप खुल के अपने बलबूते पे अप्लाई कीजिए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। सुने, थैंक यू। भाई आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, आजम और नाजिया में अलहदगी हो गई है। भाई मुमताज मिठाई तो बिठवाओ, और हां एक टोकरा जाहिद भाई के घर जरूर भेजना। हाय हाय बेड़ा घर खुद दुश्मनों का, हाथ पैर टूटे मेरे बच्चे, तू ठीक तो है ना? मेरा तो दिल ही बैठ गया था, मैं तो घर से यहाँ तक का रास्ता मेरे लिए साफ हो गया, तू ठीक है ना? अम्मा मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत हो, रिलैक्स करें। वो बाहर सब कह रहे थे कि आपके अपोनेंट्स ने आप पे हमला करवाया। वो तो सब यही कहेंगे, लेकिन मुझे पता है कि असल मकसद क्या था। हेलो हरीश, सो तो नहीं रहे थे ना? गलत टाइम पे फोन तो नहीं कर दिया? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तुम ही थे ना वो, तो पता तुम्हें क्या जरूरत थी ऐसा कुछ करने की? इसको शक हो गया, अब चोट तो नहीं लगी ज्यादा? मेरी छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारा हस्बैंड कैसा है? ठीक है। वो ऐसे क्यों कह रहे हो? तुमने ही कहा था कि मेरे हस्बैंड को बचा लेना, तो इन मौके पर आके मैंने उसे बचा लिया। खुश हो? हाँ बहुत खुश हूँ, थैंक यू वेरी मच, तुमने उसे बचा लिया। अब जाओ तुम अपनी बीवी के पास, वो भी बहुत खुश होगी कि तुम ठीक हो।